मुझे 2012 में वेस्टिज को ज्वाइन करने का मौका मिला। इस तरह के इवेंट में आता रहा, ट्रेनिंग अटेंड करता रहा, सेमिनार्स को अटेंड करता रहा, अपनी टीम को लेकर आता रहा। स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे इस बिजनेस के अंदर सफलता मिलती गई। तो नौकरी से जो मैंने सफर स्टार्ट किया था 2500 रुपए से, मेरा पहला पे आउट इस इंडस्ट्री का 80 रुपए का था। हाईएस्ट पे आउट 5,85,84 रुपए का मेरा रहा। मेरी अदर अचीवमेंट ये रही, मैं पहले साइकिल में चला करता था और आज इस इंडस्ट्री की वजह से, इस प्रोफेशन की वजह से मैं 3 गाड़ियां ले पाया। पहली मेरी रही होंडा सिटी, दूसरी होंडा मेज और तीसरी लग्जरी कार लगभग 42 लाख रुपए की ऑडी Q3, जिसे आज मैं 15 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूं और बहुत सारे अचीवमेंट भी पाइपलाइन में। आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप इस तरह के इवेंट के अंदर लगातार शिरकत करते रहते हैं और हमारा एक आने वाली 4 फरवरी को एक मेगा सक्सेस सेमिनार होने जा रहा है तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 9 बजे, अगर उस इवेंट का अगर आप हिस्सा बनते हैं, उसे विटनेस करते हैं, लेकिन जानेगा आप भी जान पाएंगे कैसे आप लोग भी वहां से उठकर यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। जैसा सम्मान आप लोगों ने हमें दिया, इस सम्मान के लिए तो बड़े बड़े नेता तरसते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पूरन चंद डबराल है और मैं मूल रूप से उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। पिछले लगभग 32 साल से मैं दिल्ली में सेटल हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत मैंने अपने जॉब के साथ करी थी। मैं अकाउंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, एक MNC में मैंने अकाउंट मैनेजर की जॉब करी है और मेरी टोटल जो जॉब है वो 26 साल मैंने जॉब करी है। जब मुझे नौकरी करते हुए 22 साल हो गए थे तब मुझे प्रोफेशन मिला और रियली में ये लगा कि शायद जो हम जॉब नहीं कर पाए 22 साल में उससे कई गुना यहाँ पर कर सकते हैं, वो मौका इस इंडस्ट्री और प्लेटफॉर्म ने दिया। शुरुआत करी, शुरुआत में जो चैलेंज सबके साथ आते हैं मेरे साथ भी आते हैं। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें करी, पहले तुम सफल हो जाओ, पहले तुम करके दिखा लो, पहले तुम अमीर बन जाओ, पहले तुम गाड़ी ले आओ। लेकिन हमने एक बात ध्यान रख ली जो हमारे सिद्धार्थ सर ने बताया था और इस मीटिंग ट्रेडिंग इवेंट ने बताया था कि आप अगर लगे रहे लगातार लगन से तो एक दिन निश्चित रूप से आप वहां से यहां आ जाएंगे और आज हम आपके साथ यहां पर नौकरी करते हुए मैं किराए के घर में रहता था, आज मेरे पास अपना घर है। नौकरी करते हुए मैं एक बाइक से चलता था, आज मेरे पास अपनी गाड़ी है। और नौकरी करते हुए मैं घूमने नहीं जा पाया था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है कि मैं आज 9 कंट्री घूम के आ गया हूँ। ये इस इंडस्ट्री की बदौलत है। सपने सबके होते हैं, आपके भी होंगे निश्चित रूप से, इसमें किसी तरह का दोहराया नहीं, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। बोलते इसलिए नहीं है कि बाहर सपनों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मेरे दोस्त आप सही जगह पर हैं। अगर आपके सपने हैं तो आप सही टीम के साथ में, ग्रॉस के साथ में हैं, सही कंपनी के साथ में हैं और सही एलवेसर को यहाँ पर हैं। अगर आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जो हमें सिद्धार्थ सर ने कहा था वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि लगे रहिए लगातार लगन से। अगला जो इवेंट है उसमें जरूर आना है और आने वाला समय आपका है। जैसे आज आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, आने वाले समय में लोग आपके लिए खड़े हो रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल शर्मा है, बाय क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हूँ। वेस्टीज से पहले मैं कई सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर जॉब कर चुका हूँ, कुछ कंपनीज के साथ में नेशनल हेड प्रोफाइल पर भी जॉब कर चुका हूँ। इस बिजनेस के लिए जब आया तो पहली इनकम 571 रुपये तक शुरू हुई थी, जो लगभग बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट तक में 6 लाख रुपये का पेमेंट पहुंचा। 3 गाड़ियाँ इस बिजनेस से ली, ब्रीजा, क्रेटा और 56 लाख की ऑडी A4। कई सारे फॉरेन ट्रिप्स हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं, लेकिन बात ये नहीं कि मैं खुद कितना कामयाब हुआ। आज बात ये है कि जिनको अपने साथ लेकर के बिजनेस के अंदर आया उनमें से भी काफी लोग बिजनेस के अंदर कामयाब है। 5 लोगों के पास लग्जरी गाड़ियां हैं, तकरीबन 70 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की ड्रीम व्हीकल्स ले चुके हैं बिजनेस के अंदर। हजारों लोग फॉरेन ट्रिप्स होकर आ चुके हैं और ये सारी सफलता का जो राज है, जो सीक्रेट है, वो है इवेंट। और आप समझ लो फॉर्चुनेट है कि बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसके बारे में प्रीतम जी ने बताया, कमिंग 4 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। और तो उसके पास शायद आप अवेलेबल नहीं होंगे, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपको पास मिल गया तो अपने लिए पास अरेंज कीजिएगा, वहां पर आइएगा और आप देखिएगा कि कैसे आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी इस वहां से उठ करके यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश्व एक्टिवली एसोसिएटेड हूँ। इस बिजनेस
के अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस मुझे मेरी मदर मिसेस बिमला शर्मा जी के द्वारा एक लेगेसी के रूप में मिला। 2.5 साल उन्होंने इस बिजनेस को किया और एक स्पेसिफिक बहुत छोटा सा लेवल इस बिजनेस के अंदर होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर जहाँ तक वो पहुँचे। उसके बाद हालांकि अपॉर्चुनिटी मेरे पास पहले दिन से थी लेकिन मैं सीरियस नहीं था, मेरे पास नॉलेज नहीं थी इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की नॉलेज ना होने के कारण मैं डिसीजन नहीं ले पाया। थैंक्स टू बेस्टी सिस्टम, थैंक्स टू ग्रॉस सिस्टम, थैंक्स टू दिस प्यारेलाल सीएनटी एनडी तिवारी भवन सीएनटी प्रोग्राम, जिसकी वजह से मुझे इस इंडस्ट्री की नॉलेज मिली, मुझे पोटेंशियल पता लगी कि इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा किया जा सकता है। देर आर नो क्राइटेरिया, एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला, आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। मेहनत मैं पहले भी करता था, जहाँ मैं जॉब करता था 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे की जॉब होती थी, मेहनत वहाँ पे भी थी और सीखते वहाँ पे भी थे जो काम करते थे। तो वही दो काम करके यहाँ पे पैसा बनेगा और अनलिमिटेड इनकम सोर्स है, तो मैंने यहाँ पे शुरू किया। इस तरह के माहौल में आता गया, लोगों को लाता गया, सीखता चला गया। आज 6.25 सालों की बात करूँ तो 6.25 साल में इस बिजनेस के माध्यम से, कार फंड के माध्यम से, 2-2 गाड़ियाँ मेरे परिवार में हैं, जिसमें से एक लग्जरी कार भी है, ऑडी A4 लगभग 57 लाख रुपए की है। उसके अलावा मोर देन 2 करोड़ 30 लाख रुपीस, 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा की आमदनी इस बिजनेस से मेरे परिवार ने 6.25 सालों में ट्रांसफर की है। साथ ही साथ एक लग्जरी घर, साथ ही साथ एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज, उसके अलावा 5 बार विदेश यात्राएं। ये सब कुछ कल्पनाओं में भी नहीं था। अगर वेस्टी सिस्टम नहीं होता, अगर इस तरह का माहौल नहीं होता, अगर LOS का साथ नहीं होता, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, मैंने बस सबमिट किया है सिस्टम को, आप भी सबमिट कर दीजिएगा। अगले 1 से 3 साल अपना दिमाग मत लगाइएगा, आप भी वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप जब अपने लोगों के पास जाते हैं प्लान बताने के लिए, मजाक बनते हैं सुबह के घर में के नहीं बनते? अगर मजाक बन के अगर करोड़पति बनने का मौका मिले तो मजाक बार बार बन जाना। जब मैं भुवनचंद शर्मा जी के घर जाता था ये भी मेरी मजाक बनाते थे, बोले ऐसा आया बता करोड़पति बन जाए। जब मैंने भुवनचंद शर्मा जी को पहली बार ये बिजनेस बताया था तब ये कहते थे कुछ नहीं होता सर, बेकार की बातें हैं, ऐसे बन के अगर करोड़पति कोई बनता है तो वैसा तुम बन लेना। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप टीवी पे कपिल शर्मा शो देखते होंगे, आप टीवी पे दूसरे कोई शो देखते होंगे, वो अपना मजाक बना के करोड़पति बन गए सब। अरे कुछ दिन आप भी अपना मजाक बना लो यार, ठीक है। जो आज आपका मजाक उड़ाएंगे कल वो आपके साथ सेल्फी खींचने के लिए, आपके लिए सीटी बजाने के लिए तैयार खड़े होंगे बाहर, ये गारंटी में दे रहा हूं। मुझे भी नहीं पता था, बल्कि गेट के अंदर एंटर हुआ तो महिलाएं खड़ी थी, कहते सर एक सेल्फी ले सकते हैं? मैंने भाई वेलकम ले लो। अब मुझे नहीं पता कौन है, कहां से आई, किसकी टीम थी, अपने को क्या लेने देना। 9 साल पहले मजाक बनने का मौका मुझे मिला था। शुरुआती दौर में मुझे भी बात समझ में नहीं आई, जब मेरे को PC डबराल जी ने, बड़े भाई साहब है मेरे सौभाग्य से, मुझे भी समझ में नहीं आई, मैंने भी बोला तुम ही बन लो, मैंने भी मजाक बनाया। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप पेशेंस के साथ अगर टिक गए तो एक दिन ये मजाक आपकी आने वाली पुश्तें बदल सकती है। एक मेरे पास घर है, दो मेरे पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है इसकी बदौलत, और 6 फॉरेन टूर एंड साथ में एक कार चला रहा हूं पिछले 5 साल से। अगर ये सब कुछ अगर मिल सकता है मजाक बनने से तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को मजाक बनना चाहिए। इवेंट से आती है, इसी तरीके की मीटिंग ट्रेनिंग से आती है, माहौल से आती है। मैं बार बार इसी माहौल का हिस्सा रहा। 2015 तक मेरे साथ भी कोई नहीं था CNT, आज बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप बार बार इस तरीके की मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बने। अभी आपको प्रीतम जी ने बोला कि भाई 4 तारीख को हमारा मेगा सक्सेस सेमिनार है, मिल जाए टिकट तो किस्मत आपकी।
और नहीं मिले तो अगले महीने की एडवांस तैयारी कर लेना ताकि वो काश मेरी जिंदगी में ना रहे। उदेश थैंक यू वेरी मच। नाम डीसी राजपूत, उम्र 71 साल। चालीस साल से दिल्ली में रहता हूँ और जिस तरह के काम किए, जब वैसे सामने आया तो ये सोच के फार्म भर दिया था चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 25 पहले बदल। साथियों एक साल के अंदर कार मिल गई, बोलो कार चलाना सिखाई थी, चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो वहाँ बनाया नहीं कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो। हर 2-3 साल बाद कार मिलती है, 4 कार मिली मेरे को जिसमें एक 4 पीढ़ी वाली है। पहले महीने की आमदनी थी 22 रुपये, नाम लिखा था 1,012 रुपये का सामान लिया था। दूसरे महीने में बन गया सिल्वर डायरेक्टर 12,800 रुपये। हाइएस्ट इनकम 3,000 कम 5 लाख रुपए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इसमें कैसे पैसा आता है, कैसे काम आता है। लेकिन इस टाइप की जितनी मीटिंग होती है सबसे आगे मिलता हूँ और अपनी टीम को ला के बिठा देता हूँ, वो सीख के अपना अपना काम करके मेरा काम बन जाता है। Thank you, sir. Thank you so much.